श्रीलंका के लिए पूरे वक्त में हनुमान बन गए मोदी। जो दुनिया नहीं कर पाई वो मोदी करने जा रहे हैं। श्रीलंका में हाहाकार मचा है, भुखमरी जैसे हालात हैं, आधी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है और लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका आज पछता रहा है कि अगर चीन के झांसे में नहीं आया होता तो सोने की लंका कंगाल नहीं होती। श्रीलंका के सामने जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो भारत से मदद की गुहार लगाई है और कहा है, मोदी जी हमें बर्बाद होने से बचा लीजिए, हमारी मदद करिए। श्रीलंका को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसके साथ ही श्रीलंका को चीन के चंगुल से बचाने की भी कोशिश शुरू हो गई है। श्रीलंका को बचाने के खातिर भारत ने दो रणनीति बनाई है जिसके बारे में जानकर बाकी देश हैरान है। भारत श्रीलंका को बचाने के खातिर क्या कर रहा है ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर विदेश मंत्री एस जयशंकर की है जिन्हें खुद मोदी ने श्रीलंका भेजकर हालातों का पूरा खाका तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। सजित प्रेमदासा ने अपील करते हुए कहा है, मेहरबानी करके जितना ज्यादा मुमकिन हो उतनी मदद की कोशिश करिए, ये हमारी मातृभूमि है, हमें अपनी मातृभूमि को बचाने की जरूरत है। श्रीलंका की इस हालत के पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन का है। श्रीलंका को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दो रणनीति तैयार की है कि श्रीलंका में चीन के प्रभाव को जल्द से जल्द रोका जाए और दूसरी रणनीति ये है कि जल्द से जल्द श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। श्रीलंका जो प्रोजेक्ट चीन को देने वाला था उन्हें अब भारत ले रहा है। हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट जिस पर चीन की नजर थी उसे अब भारत ले चुका है। इसके साथ ही भारत रणनीतिक रूप से श्रीलंका में एक कोर्ट सिटी बना रहा है। ये वही कोर्ट सिटी है जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस पर अब भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। भारत ने संचार, पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में भी निवेश कर रहा है। ये सारी तैयारी भारत ने रणनीतिक तरीके से की है जिसकी वजह से आने वाले समय में श्रीलंका की हालत सुधर जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी श्रीलंका के लोगों को बचाने के लिए भारत क्या कर रहा है, चलिए इसे हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं जिन्हें जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने सबसे पहले श्रीलंका में अनाज और तेल भेज दिया है। इसके साथ ही ईंधन, खाना और दवाओं को खरीदने के लिए श्रीलंका को $1.5 अरब से ज्यादा की आर्थिक सहायता दे दी है। अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। भारत इस दौरान यूक्रेन, रूस सहित और भी कई देशों की मदद कर रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दुनिया के लिए इस दौरान क्या बन चुका है। पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद है। आपने देखा होगा दो दिन पहले अमेरिका, रूस, चीन सहित कई बड़े देश भारत के चक्कर काट चुके हैं। श्रीलंका की जो हालत है प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं जल्द से जल्द हालात सही हो जाएं। भारत की कोशिश है कि अब चीन की नजर श्रीलंका पर नहीं पड़े। श्रीलंका भी शायद ये बात अब समझ चुका है कि बाकी देश उसका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मदद सिर्फ भारत कर सकता है। यही वजह कि भारत से मदद की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि हमें बचा लीजिए। ऐसे में हमेशा की तरह इस बार भी भारत ने दरियादिली दिखाते हुए लगता है श्रीलंका को बचाने की जिम्मेदारी ले ली है।